में खोलने वाला अपना एक होटल जो कि किसी टाइम पे मेरे दादाजी का था, बट अब वो मेरे को मिल चुका है। और भाई वो होटल बहुत ही प्यारी जगह पे बना हुआ है, सुंदर से पहाड़ों के बीच में। जो भी पहाड़ों पे घूमने आएगा वो आज से मेरी होटल में रहेगा। और फिलहाल अपना होटल नहीं है, वो मोटेल है। और मोटेल क्या होता है, चलो गेम में समझाता हूँ। ओके तो गाइस अभी मैं बस में बैठ के जा रहा हूँ अपने उन्हीं पहाड़ों वाले होटल पे। और भाई क्या प्यारा नजारा है। अच्छा अरे इधर भी देख सकते हैं अपन, क्या ऐसी टूटी फूटी बस है भाई। और मैं किधर हूँ, अरे मेरी मुंडी मुंडी है भाई सिर्फ। हो आ गया भाई, क्या यही मेरा होटल है भाई? मेरे को पता नहीं, मैंने ज्यादा दादाजी के साथ घूमा फिरा नहीं हूँ ऐसे होटल में, बहुत जो है डरावना सा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ की साइड आया नहीं करता था शायद। मुझे नहीं पता भाई, मैं छोटा था ठीक है, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और उतरे भाई यहाँ, हेलो, ओके मैं उतर चुका हूँ और यही मेरा होटल है गाइस। ये होटल नहीं, ये मोटेल है। मोटेल का मतलब भाई एक होटल का ही छोटा रूप। तो अभी इसको होटल बनाएंगे अपन, अभी मोटेल है। और ये रहा अपना शॉप, ओके यहाँ से स्टार्ट है शायद। और गैस स्टेशन भी अपने यहाँ पे भाई, इसको भी अपग्रेड करेंगे, सब चीजों को अपग्रेड करेंगे। बाकी आज डे जीरो है और करंट टास्क है अपना रीड द लेटर। ओके लेटर किधर मिलेगा? ओके दादाजी अपने लिए लेटर भी छोड़ के गए, अपने को क्या क्या करना है वो बता के गए, देखते हैं इसके अंदर क्या है। Hi grandson, what took you so long? If you're reading this, it means I'm long dead. I just want to tell you that I'm proud of you and I know you will take care of yourself. That's why I left you nothing. I've decided to leave this letter for you in this abandoned place for no reason at all. Okay guys, अभी मेरे दादाजी गुजर चुके हैं और मेरे को ये होटल का काम छोड़ के गए। बाकी ये टाइमर किस चीज का चल रहा है भाई? ये फूटने वाला है क्या? है? अभी डस्टबिन जैसा लग रहा है मेरे को, बट इसमें टाइमर किस चीज का चल रहा है? 3, 2, 1 अबे अच्छा ये टाइमर उस चीज का होगा भाई, इसमें कचरा फेंको तो शायद चला जाता होगा, 120 सेकंड में वापस से चला जाता होगा। टर्न ऑन द पावर, अभी मेरे को पावर ऑन करनी है जिससे कि अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ सके। और ये सब हटाना पड़ेगा मेरे को। और इन सबको क्या मैं बेच सकता हूँ? रुक जाओ, इनको कहाँ रखूँ भाई? ड्रम वगैरह को, बहुत कचरा फैला हुआ है यहाँ पे, बहुत दिनों से बंद पड़ा है भाई अपना ये होटल। अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ ऑप्शन है भाई। तो मार्क, ओके यहाँ मार्क आ रहा है ठीक है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी का है और इससे अपन जनरेटर ऑन कर सकते हैं। ओके गाइस मैंने अभी पावर सप्लाई ऑन कर दी है और अभी चलते हैं अपन, कहाँ पे चलना है अभी अपने को? ओके अपना नेक्स्ट टास्क है सेट अप योर कंप्यूटर, जिससे कि मेरे पास, अरे यार सेट प्योर कंप्यूटर तो बाद में करेंगे, पहले कचरा तो फेंक दूं मैं। रुक जाओ ये सब है क्या? इसमें कुछ तो होगा पक्की बात है, पता नहीं भाई वो खुल नहीं रहा डब्बा। मैं सारे कचरा रख रहा हूँ, पहले सारे कचरों को बाहर ला ला के रख देता हूँ। यार कचरा बाहर क्यों रखना है, वहाँ फेंक देता हूँ ना। अबे इतनी दूर कहाँ चला गया ये? ओके ऐसे में फेंक सकता हूँ और इसके अंदर डाल दिया और ये देखा अभी गायब हो जाएगा। देखो 20, ये देखो भाई गायब, इसकी जमीन खुल गई। ये मैंने गलत तो नहीं फेंक दिया यार, बेच सकते थे शायद अपन इसको, बाकी बेच सकते हैं क्या देखने दो मेरे को। मेरे पास कुछ टूल्स है, ये बेचने वाला है शायद। ओके नहीं बेच पा रहा हूँ भाई मैं ये चीजें, क्या बेच सकता हूँ मैं? कुछ नहीं बेच पा रहा हूँ मैं, छोड़ो भाई कुछ जब बेच ही नहीं पा रहा हूँ तो सबको। ओके डस्टबिन का ऑप्शन भी है, अच्छा ये चीजें नहीं उठा सकता हूँ। ओह उठ गई उठ गई उठ गई, जो चीज डस्टबिन में जा रही है ना वो चीज मैं डस्टबिन में ले लेता हूँ। ओके ये सब डस्टबिन में जा रहा है, लेट्स गो। चलो भाई अब अपना काम आसान हो गया, इन सब चीजों को डस्टबिन में ले लेते हैं। और अरे ये थैली भर गई, ये भी उठाओ ये भी उठाओ, ये उठा सकते हैं क्या? ओके ये नहीं उठाना है। अभी मैं अपना शॉप पूरी तरीके से साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर ला के रखने वाला हूँ इसके अंदर। और मुझे कुछ बोर्ड्स वगैरह भी लगाने हैं, ये सब उठाना है क्या? चलो हो गया ना काम, यहाँ का ऑफिस एकदम जच गया, एकदम नया हो गया। ये थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है इसको मैं उठा दूंगा, रुको एक सेकंड, अंदर ये सब अलग से उठाना पड़ेगा। अब एक झाड़ू लेते हैं और झाड़ू से ये सब चीजें साफ कर देता हूं मैं, बहुत गंदा कर रखा है भाई। पता नहीं यहाँ पे रात में लोग बाग आके शराब वगैरह पीते होंगे, पक्की बात है। खाली एरिया में लोग बाग यही काम करते हैं, मेरे को सब अच्छे से पता है। इसको अगर मैं यहाँ से फेंकूं, ज्यादा दूर चला गया, अरे नहीं कहां गया भाई ये? अरे तू चुपचाप इसके अंदर नहीं जा सकता भाई, वहीं से निशाना लगाने का ट्राई करते हैं वापस से, बहुत पावर अपने प्लेयर में। और इसको फेंक, अरे चिट हो जाती है गाइस कभी कभी। ओके अबे नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरे निशाने बहुत कच्चे हैं इसको, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं उधर की साइड फेंक देता हूँ, बाद में फेंक दूंगा सारी चीजें एक एक लाला वहाँ पे जा जाके, ठीक है। और शायद ये वाला डब्बा गया, अरे नहीं गया, अला जो देख रहा हूँ ना वो ही नहीं जा रहा। एक डब्बा गया उसके अंदर, मैं दिखा सकता हूँ तुम लोगों को, 2 सेकंड बचे। अच्छा ये देखो ये डब्बा गया है इसके अंदर और इसको मैंने देखा भी नहीं था। छोड़ो अब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो सारे अंदर डाल देता हूँ मैं। चलो भाई सारा कचरा मैंने फेंक दिया है और अभी अपनी शॉप जज गई है। पेट्रोल पंप वगैरह भी मुझे शायद साफ करना पड़ेगा या फिर साफ ही है, पता नहीं। ये कुछ तो काम का सामान है, ये नहीं ना तो फेंक रहा मैं और ना ही इसको कूड़े में डाल रहा, बाद में देखेंगे। बाकी कूड़ा निकालने दो, इसको डालो इसके अंदर और बंद करो। चलो भाई अभी मेरे को यहाँ पे जाना है और ये अपना ऑफिस है, वो शॉप थी। मैंने क्यों साफ करी एक सेकंड, मुझे साफ तो ये करना चाहिए था। डेंस जोन मोटेल, और ये शॉप कौन सी है? ये भी मेरे को चलानी है क्या? रुक जाओ ये शॉप ओपन है शायद, गाइस ये मेरे को ही चलानी है, तभी मेरे एरिया में ये पूरा होटल, ये पूरा एरिया अपना है। बाकी अपना ऑफिस ये है होटल का, इसको साफ करना था, मैंने गलत चीज साफ कर दी, क्या ही बताऊं मैं। कोई बात नहीं मेरे को साफ तो वैसे भी पूरी चीज ही करनी है, तो ये भी साफ कर दी तो बढ़िया ही है। बाकी कचरा, अरे नहीं यार इसको रुको ना, बेच सकता हूँ क्या? ये फुटबॉल वगैरह थी, इनको तो बेच सकता हूँ, ये बेच सकता हूँ क्या? अरे यार कुछ नहीं बेच पा रहा मैं।
अबे यहाँ पे ये क्या पड़ा है? कुछ तो ये फ्रूट होता है, फ्रूट मैं नाम भूल गया, छोड़ो। सब कुछ कचरे का ये मैं कचरे में डालता हूँ, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, ये छोटे मोटे कचरे तो गाइस इसमें चले जा रहे हैं। और ये कहाँ है ये? इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और यहाँ पे रखा हुआ है कुछ कचरा, इसको हटाओ। और अब थोड़ा बहुत झाड़ू पोंछा लगा देता हूँ मैं, अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे कचरा बहुत सारा, इसको उठाओ। इसको फेंकने का अपने को डस्टबिन में, डस्टबिन किधर था भाई? अरे ये रहा डस्टबिन। ओ भाई इतनी दूर कैसे है ये डस्टबिन, जाएगा ही नहीं इतनी दूर तो। ओ भाई गया, अरे बगल में भी तो डस्टबिन है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रुको देखो इसमें तो चला जाएगा, जहां तक इतना निशाना तो है मेरा। ओ क्या निशाना लगाया, देख रहे हो गाइस, ये अपना सीधा डस्टबिन में, ये बात ये हो रही ना बात। सब कुछ कूड़े में फेंक रहा हूँ डायरेक्ट में। और ये क्या है? ओके ये मेरा बेड है, क्या मैं यही सोने वाला हूँ? ये मेरा बेड है कि होटल का बेड है? गाइस मेरे को होटल में भी बेड ला के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि होटल में भी शायद बेड वगैरह टूट गए होंगे सारे। ये लास्ट कचरा है जिसको मैं फेंक देता हूँ, और अब इनको कर देते हैं अपन साफ। चलो भाई, अरे क्या मेरे पैर से कचरा आ रहा है यहाँ? चलो भाई मैंने अंदर का बेड भी साफ कर दिया है। और अब बताओ, अब मुझे जो है कंप्यूटर वगैरह ऑन करना है, इसको करते हैं, उठाते हैं और रखते हैं। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा इसका प्लग लेना पड़ेगा क्या मेरे को? प्लग लिया है और इसको प्लग को लगाते हैं इसमें, ठीक है। द आउटलेट इज नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली, क्यों भाई? रुक जाओ, शायद इसको मैं कीज कीज, अबे कंप्यूटर फेंक दिया मैंने, अरे शिट, अरे नहीं गलती हो जाती है गाइस कभी कभी मेरे। इसको शायद मुझे यहाँ रखना है, ठीक है, उसके बाद मुझे, अरे दादाजी ये सब कर जाते हैं ना तो। अरे रुक जाओ दो सेकंड, इसको ये लो, ठीक है, और इसको डालो इसके अंदर। भाई पता नहीं भाई ये लग नहीं रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही, और ये नहीं लगेगा जब तक मेरा काम चलेगा नहीं। गाइस मुझे पहले कुछ आउटलेट, ओके अरे ये कचरा कहाँ से आ रहा है भाई? कोई है तो नहीं मेरी शॉप पे? फिर भी नौटंकी, कोई है तो नहीं मेरे को कोई तो आउटलेट लगाना है पहले। एक सेकंड रुको, क्या ये आउटलेट है? आउटलेट कहाँ है? रुक जाओ, अच्छा इन चीजों को ढंग से लगाना है शायद मेरे को। क्या मैं इसको कहाँ लगाया जाए? इसको अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ये काम करेगा? ओके अच्छा वो प्लग्स रखे हुए थे नीचे, उनको मेरे को यहाँ लगाना था, और अभी अपना काम हो गया है। चलो भाई अभी मेरे को समझ में आ गया, और अपना कंप्यूटर ऑन हो गया है। अभी मेरे को दो सीलिंग लैंप्स ढूंढने और हैंग देम इन अ रूम वन। ओके मेरे पास रूम्स हैं, ओके ये रहा रूम वन, ये रहा रूम टू, और ये रहा रूम थ्री। ये अपना इतना सा होटल है, मतलब मोटेल है, बाकी वो शॉप्स वगैरह अलग थी भाई, जिसको मैंने स्टार्टिंग में साफ कर दी, वो भी मेरे को ही चलानी है शायद, बाद में देखेंगे, उस पर नौकर वगैरह रख देंगे। इनका कचरा भी मैं साफ कर देता हूँ, और ये सब तो मैं कचरा शायद डस्टबिन में डाल सकूंगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह लानी है यार, फॉल सीलिंग वगैरह करवानी है यहाँ, ठीक है, उनको देखते हैं। अभी सारा कूड़ा करकट मैंने समेट तो दिया है, बाकी ऊपर क्लीननेस की लाइन चल रही, रुक जाओ क्लीन कर दें थोड़ा बहुत। और चलो भाई अभी सेल हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओए अपने पास गन भी है, मतलब यहाँ पे कोई तो डरावना काम होने वाला है, और मैंने बाहर इतना ध्यान ही नहीं दिया था, रात हो गई है। ओके मेरे पास बहुत सारी चीजें भाई, ये पेट्रोल की टंकी है जो कि खाली है, और स्टेयरिंग व्हील है, बाकी पेंट करने का कुछ तो सिस्टम है अपने पास, लेकिन पेंट नहीं है अपने पास। और ये गन है भाई, क्या ये चलती है? चला के देखूं क्या? नहीं भाई, फिर कोई जरूरत के समय पे नहीं चले पता पड़े, मेरे पास एक ही गोली हो तो। इसको फेंकते हैं, इसको फेंकते हैं, और यहाँ पे दो चार सामान पड़े, ये हुट क्यों नहीं रहे? ओके ये तो हुट गया, इसको भी फेंक दो, इसको भी फेंक दो। ओके भाई डन, अपना पूरा रूम क्लीन हो गया है, और ये शायद बाथरूम है, बाथरूम मुझे सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे फॉल सीलिंग ऑर्डर करनी है शायद, रुक जाओ एक सेकंड, मेरे को शॉप में जाने, ऑफिस में जाने दो। क्या मैं यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ कुछ फॉल सीलिंग वगैरह? डिलीवरी ओके, लेस वगैरह मंगा सकता हूँ मैं, और चिप्स वगैरह भी है, बट इक्विपमेंट्स कहाँ है इसमें? ओके बेड कितने प्यारे प्यारे देख रहे हो तुम, डबल बेड, लेकिन इस टाइम मेरे पास सिर्फ 1400 रुपीज है, और रूम्स की 3 की नॉट रेडी, नॉट रेडी। ओके हाँ मैंने अभी रेडी नहीं करे, रुक जाओ भाई। अपग्रेड कर सकता हूँ मैं अपने, वेयर हाउस वगैरह बना सकता हूँ, स्टाफ रूम बना सकता, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी लगा सकता हूँ। कार डीलर से अपन बात कर सकते हैं, कार डीलर क्या काम आएगा अभी पता नहीं अपने को। बाकी होम में चलते हैं, और स्टॉप मोटेल अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ भाई अपना होटल, क्योंकि मेरे को एक रूम तो रेडी करना पड़ेगा सबसे पहले, और फॉल सीलिंग लानी है ना। फॉल सीलिंग लैंप यार ऑर्डर करनी है, कि कहां से मिलेगी मेरे को फॉल सीलिंग लैंप? यार रात होगी तो क्या पहले मुझे सो जाना चाहिए? कल ऑर्डर करना है। ओके मैं सो जाता हूँ भाई, बढ़िया है। ओके टाइम जा रहा है, अपने आप उठ जाएगा? नहीं अच्छा उठाना भी खुद ही को पड़ेगा। अपन कितने बजे भी उठ सकते हैं रात में काम करने? अभी 5 बजे, सुबह के 7 बजे उठेंगे, बढ़िया एकदम आराम से। ओके लेट्स गो, अभी 7-8 हो रहे हैं, और अभी फिलहाल थोड़ा बहुत दिन हो गया है। चलो अभी मेरे को बाकी रूम साफ करने, फॉल सीलिंग वगैरह मैं एक साथ मंगवा लूंगा, सीलिंग लैंप्स जो हैं, और यार कितना गंदा पड़ा है ये, रुक जाओ मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ सारी चीजें, एक एक रूम साफ कर देता हूँ सारे, जिससे अपन तीनों रूम एक साथ चलवा देंगे, मजा आ जाएगा भाई। ये किसने खाए है भाई यहाँ पे? ये कौन सी बात है, कौन खा रहा है इसके अंदर? चलो भाई ये वाला साफ कर दिया मैंने एरिया, बचा हुआ ये क्या कचरा ही है क्या? रुक जाओ इसको साइड में रखते हैं, वो भाई अच्छा पैकेट है किसी चीज का, तो मुझे खोलना नहीं आ रहा है, वो बाद में दे लेंगे वहां से, उसको डस्टबिन में नहीं फेंका है मैंने प्रॉपर। बाकी मैंने अभी रूम 3 भी साफ कर दिया है, बस इसमें पोंछा लगाने का है, और ये मैं पोंछा लगा दिया। चलो भाई ये भी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है, और अभी चलते हैं सेकंड रूम में, बस ये रूम बचा हुआ है, इसको और साफ कर देता हूं मैं पूरे को, फिर अपन फॉल सीलिंग ऑर्डर करेंगे। शायद अब ऑप्शन आ गया होगा फॉल सीलिंग ऑर्डर करने का, अभी तक तो नहीं आ रहा था। ओ पिज्जा भी पड़ा है यहां पे किसी का कटा हुआ। चलो भाई बचा हुआ सामान अपने को यहां फेंकने का है, ऐसे फेंको, ये उठाओ, ये फेंको, ये उठाओ, ये फेंको, ये उठाओ, ये फेंको। चलो भाई लेट्स गो, पूरा एरिया। ओके अरे
ये कहां से रह जाता है भाई, कोई बात है? चलो अभी मेरे को पोंछा मारने का है, पोंछा मार देता हूं एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत ना आने पाए किसी को। यार क्या मेरे को ऐसे रोज रोज पोंछा मारना पड़ेगा क्या? क्योंकि लोग बाग आएंगे फिर गंदा गंदा कर जाएंगे। भाई बाहर लिख दूंगा नो ड्रिंक अलाउड, नो ड्रिंक्स अलाउड, ठीक है? तभी लोगों का काम चलेगा। बाकी अभी मेरे को ऑर्डर करना है भाई, मेरे को ऑर्डर करने दो, बताओ। अपग्रेड्स में चलते हैं, रूम डिलीवरी, बिल्डिंग प्राइस, डेकोरेशन, डिस्प्ले, ओके। इक्विपमेंट्स में होना चाहिए ना, फॉल सीलिंग लाइट्स, किधर है सीलिंग लैंप्स, ये रहा गाइस। और इसके अंदर सीलिंग लैंप्स से अलग अलग तरीके की भाई डिस्को वाली भी है। मैं कौन सी मंगाऊं यार, ये वाली मंगा देता हूँ या फिर ये वाली? भाई ये कितनी सही लग, नहीं यार ये होती है ना होटल्स में ज्यादातर, बट ये $24 की है, ज्यादा पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है मेरा। दो लैंप्स लगानी है, दो ऐड करता हूँ मैं कार्ट में। और 68 का कैसे पड़ रहा है? 48 का पड़ना चाहिए ना भाई, कार्ड दिखाना एक बार जरा मेरे को। ओके इसमें व्हीकल प्राइस, अरे लो कर लो बात, ₹20 ले रहा है ये, कोई बात है ये? और कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब ये कैपेसिटी, अच्छा मैं एक साथ और सामान भी मंगवा सकता हूँ, टाइम मीडियम कर सकता हूँ, टाइम का पैसा अलग है। ओ भाई नहीं भाई तू आराम से भेज दा, लेकिन यार 6 घंटे है तो शिट हो जाएगी, फास्ट डिलीवरी करवाते हैं। ₹40 लेगा, टोटल ₹108 ले रहा है ये, इतना महंगा वाला लैंप मंगवा रहा हूं मैं। मैंने ऑर्डर कर दिया भाई और मेरे पास ₹200 कट चुके, अच्छा नहीं ₹100 कटे, ठीक है भाई देख ही जाएगी जो होगा। डिलीवरी ओके, एक्सपेक्टेड डिलीवरी एट 13:36, 2 मिनट ही बची, मतलब अगर अपन रियल टाइम के हिसाब से देखें तो 2 मिनट में अपना सामान आ जाएगा, जो कि मैं इसमें लगा दूंगा, मस्त लगेगा भाई। एक यहां लगाने वाला हूं, एक वहां लगाने वाला हूं, टोटल 4 लगाऊंगा बाद में, अभी जो है पैसा कम है, पैसा आ जाने दो थोड़ा बहुत। बाकी अभी अपनी सिंगल रूम की प्राइस ₹100 और डबल रूम की प्राइस ₹120 है, और अपनी रेटिंग्स देखना है, इसीलिए इसको फुल करेंगे भाई। चलो अपना ऑफिस वगैरह क्लीन हो रखा है, अभी मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत देख लेता हूं क्या करना है क्या नहीं। शॉप रेटिंग्स 0 है, मोटेल पॉपुलैरिटी भी 0 है, ओपन और क्लोज कर सकते हैं, तो इसको अभी ओपन करेंगे। फॉल्स यार, लेकिन मेरे को बेड वगैरह भी तो लाने पड़ेंगे यार, मैंने बेड भी मंगा ली होती एक साथ ही, शिट हो गई गाइस ये तो। बाकी एक सेकंड, अबे ये ट्रक किसका आया है? ये तो मेरे ऑर्डर, ओए डेन जोन डिलीवरी, लेट्स गो भाई, आ गया मेरा सामान। हेलो बड़ी, देगा सामान? देना कहां से देगा, क्या कर रहा है? ओके सामान उतार रहा है भाई ये, लेट्स गो, कहां जा रहा है? अरे सामान कहां है मेरा भाई? ये शायद सामान लेने नहीं आया, ये ऐसे ही घूमने फिरने आया क्या? अबे ये रखे लैंप्स, अरे ये क्या, ये वेयर हाउस है भाई मेरा, ये वेयर हाउस है, मैंने पूरा घूमा, लेकिन ये क्या कर रहा है? एक सेकंड को, ओके इसको अबे मैं खोल सकता हूं सीलिंग लैंप, ये जो मैंने लैंप्स मंगाई थी, और ये आदमी कर क्यों रहा है, ये घूम क्यों रहा है भाई? लेकिन एक सेकंड, मैंने सामान मंगाया वो तो ठीक है, तू देने आया, मुझे तो लगा तू मेरा घर का है ही नहीं, मतलब मेरा सामान देने नहीं आया, कोई और ही है तू। मैंने लैंप्स तो ले लिए भाई, क्या सही लग रही है लैंप्स, कितनी महंगी है। और ये मेरे पास लैंप्स पड़ी हुई है, देखना ये, इन लैंप्स को ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, अभी उठा लेता हूँ, इनको वहां लगाना है, अभी यहाँ नहीं लगा रहे। बाकी मेरे पास पेंट बकेट्स भी पड़ी है, ये देखो ये पेंट बकेट है, डेन जोन पेंट्स, और इसके अंदर क्या है, ये कुछ तो होना चाहिए, बाकी ये टाइल्स है शायद, ठीक है भाई ये क्या कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है भाई, तेरा गेट बंद कर दिया, जा चल। हेलो, ए हेलो भाई क्या करना चाह रहा है? ओके एक्स टू फिनिश डिलीवरी, अच्छा फिनिश डिलीवरी बताना पड़ता है साले को, चल जा बक जा, हाँ जा रहा है भाई, जा रहा है, जा रहा है, घर को ही जा रहा है ना, वेयर हाउस में नहीं घुसने दूंगा साले, चोरी कर लेगा तू, हाँ जा रहा है, बैठेगा भी साले, डिलीवरी हमारे यहाँ पे देके जाते हैं, ठीक है ऐसे खड़े होकर घूमते नहीं रहते, डिलीवरी देके जाइयो, अगली बार से उतार के जाइयो, समझ में आ रही है? चल जा भाई, खान में इंसानियत है, चढ़ाई नहीं गाड़ी, मेरे को लगा भी चढ़ाएगा गाड़ी, फिर मैं जोर से चिल्लाऊंगा ओवर, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ले लेता हूँ। और रुको 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 रुको, इसके अंदर अपन एक साथ दो चीजें उठा सकते हैं, ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा था, एकदम बुक्स पढ़ने लग गए आजकल, ये देखो मैंने शायद दोनों उठा लिए, इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ, ओके दोनों उठा लिए भाई, देख रहे हो तुम, अगर तीन चीज उठाना चाहूं तो, ओह ये देखो तीनों चीज उठा ली, इसको भी यहाँ खोल के रखते हैं, अब इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, अबे ये क्या, ए यूं लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक वो लेके जा रहा हूं मैं, वो बन गया होटल मैनेजर, मैनेजमेंट वाला। चलो अभी मेरे को फालतू बात नहीं करनी है, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, अभी मेरे को ये लैंप लगाने का है यहाँ पे, ठीक है एक लैंप लगाऊंगा यहाँ, एक लैंप लगाऊंगा यहाँ पे, और भाई ये महंगी वाली लैंप से महंगे में बेचूंगा ये कमरा, ठीक है दूसरी लैंप दूसरे में लगा दूं क्या? रुक जाओ, दो दो, इसने अभी मेरे को टास्क यही दिया है कि दो दो लगा दो एक कमरे में, तो मेरे दो कमरे एक साथ रेडी हो जाएंगे, दो तो मैंने मंगाई दिए, दो इसके अंदर रख देता हूँ, एक यहाँ रख दिया है, एक यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है। गेट द फ्लोर पीसेस पेंट बकेट फ्रॉम द वेयर हाउस, बिल्ट रूम फ्लोर पेंट द वॉल एंड द सीलिंग, अरे अभी पेंट वगैरह भी करना है साले, पहले लाइट कौन लगवाता है, और अब बता दिया कि साला पेंट बकेट कहाँ से लेके आनी है, जब नहीं पता। ओके भाई क्या तगड़ी लाइट करी है, देखना इसने, और इनकी लाइट देख के आते हैं, ये सस्ती वाली है थोड़ी सी, जो गेम वालों ने दी फ्री में, इनकी भी लाइट मतलब गंदी नहीं है, लेकिन इसकी देखो भाई कमरा चमक रहा है गंदा वाला, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, फिलहाल मेरे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ, और मैं ही कह रहा था भाई पेंट बकेट के लिए इसने बता दिया कि वेयर हाउस से लेके आओ, इसने तब नहीं बताया फॉल सीलिंग कहां से लेके आनी है, अरे घटिया लोग। चलो अभी पेंट बकेट लेके जानी है यहाँ से, ठीक है पेंट बकेट और टाइल्स दोनों लेके जानी है, इस पेंट बकेट को यहाँ रख देते हैं, और क्या मेरे को रोलर निकालना है, रोलर कहां है मेरा, ये अभी मैं ई टू टेक पेंट ओके ले लिया है, अरे एक एक डब्बे पे करना पड़ेगा ये, ओके सही हो रहा है भाई, लेकिन
पेंट मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। अरे रुक जा भाई, अरे मत करो ये पेंट मत करो, लाइट जलाओ पहले, लाइट जलाओ पहले। हाँ अच्छा व्हाइट पेंट हो रहा है, क्या प्यारा पेंट है भाई, वो अंधेरे में मुझे दिख नहीं रहा था, पीला पेंट लग रहा था अंधेरे में मेरे को। ओके पेंट खत्म हो गया, रुकना यार रुकना, एक सेकंड में और पेंट की बकेट्स लेके आता हूँ। क्या अलग अलग कलर का पेंट है या फिर सारे व्हाइट पेंट है? अभी आवाज भाई, कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है भाई। घरों में रहना पड़ेगा मुझे, सोना पड़ेगा भाई। ये 4 लीटर का है, पता नहीं क्या तो पेंट है ये, इसको यहाँ रखते हैं। ये भी 3 नंबर है, ये भी सेम पेंट है, ऐसा मत कहना भाई, ये सेम पेंट है। ओके सेम पेंट ये भाई, सारे सेम बकेट, सेम बकेट्स हैं सारी की सारी। ओके सीलिंग भी अपन कलर कर सकते हैं, और वैसे भी होटल वगैरह व्हाइट ही होते हैं तो क्यों ना व्हाइट ही रखें अपन सब कुछ, तो ही ज्यादा बढ़िया है। और भाई बहुत गंदी आवाजें आ रही है बाहर से, अबे कुत्ता भौंक रहा है किसी का, तो इसके घर में कुत्ता पाल रखा है भाई, यहाँ किसी का घर ही नहीं है। घर मत बनाओ भाई, मेरा होटल कैसे चल, कुत्ता भौंक रहा है भाई। क्या पता भाई, मैं काम करता हूँ और सोने चलता हूँ, मेरे को आज के दिन ये पेंट पूरा करना है, इसलिए पहले पेंट करूंगा उसके बाद ही सोऊंगा जाके, वरना भाई कल से होटल नहीं चल पाएगा मेरा। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना होटल चलाए बिना यहाँ गुजारा कर लूं। भाई बहुत जोर जोर से भौंक रहे हैं कुत्ते, यूं लग रहा है छोटे पिल्ले को कोई मार रहा हो भाई। देखो देखो देखो, अरे मेरे को सोने का है, मैं सोऊंगा अभी, अभी जाके सोता हूं, रुक जा। अरे बंद करो सालो भौंकना भाई। अपना ऑफिस का तो गेट भी नहीं है, उसके अंदर कोई भी घुस सकता है, मैं रात में सो तो जाता हूं। हमने से गाड़ी जा रही है लेकिन ठीक है, मतलब चलता हुआ एरिया है, बट यार डरावनी आवाजें आती है, बगल में जंगल वंगल है इस चक्कर से। और मेरा पेंट शायद खत्म होने वाला है, मैं फॉल सीलिंग मतलब सीलिंग पे भी कर देता हूँ। ओके गाइस फाइनली मैंने पूरे कमरे में, अरे एक कहां से रह गया, चलो भाई मैंने पूरे कमरे में पेंट कर दिया है। ये शायद बाथरूम है, यहाँ पेंट करने की ज्यादा मुझे जरूरत लग नहीं रही है, कर देता हूँ फिर भी, कम बाथरूम भी जचना चाहिए। और बाथरूम के अंदर ये नल वगैरह लगाने पड़ेंगे, शायद नल वगैरह है नहीं। तीनों बकेट खत्म करा के रहेंगे, एक और बकेट पड़ी है अभी अपने पास, और शायद इसके अंदर पेंट खत्म हो गया। ओके दोनों में पेंट खत्म हो गया भाई, अब मुझे नया पेंट लाना पड़ेगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले मैं गन निकाल लेता हूँ अपनी। ओके कोई कुछ करने ना पाए, चलो गोली मार दूंगा मैं तुम्हारी, जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे दो, अरे अभी तो 2 बकेट्स है मेरे पास, दिक्कत वाली बात नहीं, भागो भागो भागो। आज की रात भी काम करके ही सोऊंगा, मेरे को जो है कल के दिन अपना होटल चालू करना है, कल के दिन मेरे को पहला कस्टमर लेके आना है, कुछ भी कर लो। ओके अपन एक साथ भी पेंट कर सकते हैं, अरे शिट हो गई गाइस। देखो ऐसे करके पूरे पे मैं पेंट कर सकता हूँ, कब से मैं ऐसे ऐसे कर रहा था पेंट, ऐसे ऐसे पेंट कर सकता हूँ। देखो यूं यहाँ से पकड़ा और यहाँ से यहाँ तक पेंट कर दो, और इस पूरे को एक साथ पेंट कर दो, पेंट खत्म हो जाता है क्या मतलब है, एक साथ पेंट। ओके ये तो मेरे को पता ही नहीं था, न्यू रूल, वो क्या कहते हैं, न्यू सिस्टम डेवलप्ड, जो भी बोल लो। तो वहां तक करना है, इसको यहाँ तक करना है, और इसको करना है। चलो भाई हो गया, फटाफट पेंट हो गया यहाँ का, तो क्योंकि मेरे को कुछ नए आइडियाज आ गए ना। और नीचे नहीं कर सकते हैं पेंट, ठीक है यहाँ पे मैंने पेंट कर ही रखा है पूरे पे। अभी क्या यहाँ का पेंट पूरा हो गया, हाँ पेंट तो पूरा हो गया, अभी मेरे को फ्लोर लगाना है, फ्लोरिंग और ले आता हूँ भाई, बस फिर सोऊंगा, कोई बात नहीं, बचा हुआ काम कल करूंगा। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, कौन सी फ्लोरिंग है, एक तो ये फ्लोरिंग है, टूट मत जाना भाई, भाई ये ज्यादा अच्छी लग रही है, वुडन वाली फ्लोरिंग, ठीक है। वो एक तो कलरफुल थी, रेड रेड कलर की, पता नहीं क्या था। ओके ये मैं पूरे पे फ्लोरिंग कर देता हूँ यहाँ तक। ओके आधी ही फ्लोरिंग हो पाई और मेरा डब्बा खत्म हो गया, दूसरा डब्बा लेके आओ, एक साथ में 2 डब्बे ला सकता हूँ ना, मैंने जब इतनी पढ़ाई लिखाई करी है मुझे पता है, मेरे 2 हाथ है मेरे, इसको उठाओ। अच्छा अबे वो उसका होगा, बाथरूम का है, वो बाथरूम का है, रुक जाओ इसको भी उठाओ, ठीक है और इसको भी उठा लो, बस वेयर हाउस में कुछ छोड़ने का ही नहीं मेरे को, सब काम आ जाएगा बाद में। भागो भागो जोर से भागो, मूव ऑन करो जल्दी, मूव ऑन करो, इस पे लिखा हुआ है, डब्बे पे लिखा हुआ है भाई देखो। अरे फेंकना नहीं है, फेंक दिया मैंने बहुत गंदी तरीके से फेंका। इसको लगाने का है अपने को इतने पे और इसको इतने पे, ठीक है। बचा हुआ टाइल्स को यहाँ रख, अरे फेंकता क्यों हूँ मैं, ऐसा क्यों हूँ मैं। ओके यहाँ पे लगानी है टाइल्स, 200 रुपए मिले भाई मेरे को, और इसके अंदर भी ये लगा देता हूँ। लेट्स गो, बाथरूम मैंने तैयार कर दिया है, अभी इसको मैं यहाँ रख देता हूँ फिलहाल। चेक द मिसिंग इक्विपमेंट्स इन द कंप्यूटर रूम्स एंड यूज द कंप्यूटर टू बाय दोज इक्विपमेंट्स। ओए चली गई। ए, पुलिस को देख के मैं डरा क्यों, लेकिन एक सेकंड भाई 7 बज गए, रुक जा उठ जा, अब उठ, पुलिस जा चुकी है शायद। गाइस मैं रात में उठा हुआ था तो पुलिस मेरे को देखने आई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं भाग के सो गया। लेट्स गो, बच गया भाई, अभी के लिए मैं बच गया। और हाँ मैं ये कुछ सामान लेने आया था यार, रात में काम नहीं कर सकते क्या यहाँ पे, रुक जाओ अगली बार देखते हैं। और अब मैं होटल का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, होटल का नाम क्या रखें भाई ये बताओ तुम लोग मेरे को, बाद में देखेंगे, पहले मिसिंग इक्विपमेंट्स क्या है मेरे कमरे के वो मुझे देखने हैं। इक्विपमेंट्स में चलो, ओके एक तो बेड डालना है मेरे को, ठीक है बेड, और बाथटब डिलीवरी में चलते हैं, इक्विपमेंट्स में चलते हैं। अभी मेरे को जो चाहिए, एक तो बेड चाहिए, क्या डबल बेड डाला जाए, ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई डबल बेड के, लेकिन किसी को सिंगल बेड लेना हुआ तो दिक्कत है यार, दिक्कत है खूब है, लेकिन तुम जटे रहो जमे रहो। रुक जाओ मंगाऊंगा तो मैं डबल बेड ही, और कौन सा मंगाया जाए, देखो अपना पूरा व्हाइट कमरा है, ऊपर फॉल सीलिंग भी एकदम प्यारी लगी हुई है, मतलब सीलिंग लैंप्स भी बहुत प्यारी लगी हुई है, तो क्यों ना
बेड भी कुछ प्यारा सा मंगाया जाए, ये वाला ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। और इसके बाद बेडशीट भी देनी पड़ेगी यार, ये क्या बात होती, व्हाइट बेडशीट देनी होती है, व्हाइट बेडशीट ऐड कर लेते हैं। इसके बाद ब्लैंकेट भी देने पड़ेंगे यार, ये गलत बात हुई, देखो ब्लैंकेट व्हाइट कलर का देते हैं, हाँ ब्लैंकेट भी व्हाइट लेते हैं। इसके बाद पिलो लेना है अपने को, और पिलो व्हाइट कलर के चाहिए, 30 रुपीज क्या है यार, दो पिलो ऐड कर लिए मैंने, ठीक है। उसके बाद डोर चाहिए एक अपने को, डोर अपन बनाते हैं कुछ इस प्रकार का है, ओके भाई 230 रुपए का सामान ऐड कर लिया है। सीलिंग लैंप्स मैंने मंगा लिए, बाथ टब में चलते हैं, और बाथ टब अभी ऐड करना है मेरे को वहाँ पे, यार वो कमरा इतना बड़ा नहीं है कि बाथ टब ऐड करवाऊँ वहाँ पे मैं, लेकिन ठीक है। कुछ छोटा सा और अच्छा सा बाथ टब है क्या, एक तो ये है छोटा और अच्छा, बाकी एक ये क्या है, बाथ टब है ये, अभी तो पूरा का पूरा बाथ है, बाथरूम सॉरी भाई, ये बढ़िया लग रहा है, इसको ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद सिंक चाहिए एक, जो कि सिंक होने वाली है अपनी कुछ ऐसी या फिर कुछ ऐसी, भाई ये 99 की हो रही है, 39 की, शायद इसमें नीचे रैक नहीं है, बट 99 की क्या मैं ऐड कर लूं, सिंक बहुत सही लग रही है भाई ये वाली, रुक जाओ यार ये वाली सिंक ऐड नहीं कर रहा, सिंक में ज्यादा खर्चा नहीं करते नहीं, ए, मेरा मन भी नहीं मानता भाई, कर ली मैंने ऐड कर ली, देखी जाएगी लास्ट में जो होगा। टॉवल व्हाइट कलर का एक ऐड कर लेता हूं, दो डबल बेड लगा रहा हूं तो दो ऐड कर लेता हूं, ठीक है। इसके बाद टॉयलेट, टॉयलेट भी ऐड करना पड़ेगा इनके लिए भाई, कोई बात ही, व्हाइट कलर का टॉयलेट ऐड करेंगे ये वाला, या फिर यही ज्यादा अच्छा है। टॉयलेट पेपर चाहिए अब एक, टॉयलेट पेपर रोल ऐड कर लो। उसके बाद हीटर चाहिए एक रेडिएटर, जो कि व्हाइट कलर का ही बढ़िया लगेगा, 40 रुपीज का ले लेते हैं। कर्टेन्स भी चाहिए यार, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, देखो है नहीं पा रहा हूँ मैं 48 की, ये क्या प्यारे कर्टेन लग रहे हैं यार। सीट्स लो, सीट्स में सोफा देना होगा इनको, जिस हिसाब का मैं रूम बनाना चाह रहा हूँ तो सोफा अच्छा लगेगा, या फिर एक ओके एक ये भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ब्लैक कलर के सोफा अपने बेड के साथ जाएंगे। चलो रूम लैंप्स, रूम लैंप में अपन रख लेते हैं, फिलहाल रूम लैंप नहीं ऐड करें तब भी चल जाएगा क्या काम, टेबल मंगाते हैं कोई सी, तो टेबल अपन सोफे के आगे रखेंगे ना, कार्ट में क्या क्या ऐड करा है मैंने, कौन सा वो ऐड करा था, सोफा, सोफा कौन सा है, ओके ब्लैक कलर का सोफा है। इक्विपमेंट्स में चलो, टेबल्स में चलो, टेबल सोफे के आगे कौन सी टेबल बढ़िया लगेगी, ओके सोफे के आगे अपन अगर ये यार नहीं ये बहुत बहुत जगह भर जाएगी, नहीं ले रहे कुछ भी नहीं ले रहे, एक कबर्ड ले लेते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है साइड में रखेंगे, ये वाला कबर्ड ले लेते हैं, 90 रुपीज का रहा यार। ड्रॉर है एक, ड्रॉर नहीं ले रहे हैं, ओके एसी लगा सकते हैं इनके लिए, अगर मैं एयर कंडीशनर लूंगा तो एयर कंडीशनर यूनिट चाहिए होगी, और फैन लूंगा यार जरूरत नहीं है, मैं पहाड़ों पे रहता हूं, ठीक है पहाड़ों पे मेरा होटल तो पहाड़ों पे जरूरत नहीं, एक कारपेट जरूरत है, कारपेट एकदम क्लीन चाहिए, व्हाइट, व्हाइट कारपेट नहीं है क्या, अरे यार व्हाइट कारपेट नहीं है, ये वाली ले लेते हैं। होल्डर, होल्डर किस चीज के, नहीं होल्डर नहीं चाहिए, बुक्स, बुक्स नहीं चाहिए, बाकी अपन एक हैंड सोप रख सकते हैं, लव साबुन रख देते हैं, डव साबुन, ओ हेड एंड सोल्जर भी है भाई, लेकिन ठीक है अपन ये वाला रख देते हैं। एसेसरीज के अंदर एक मैं ऐड करना चाहूंगा, सबसे पहले तो मिरर ऐड कर लेते हैं, चलो ठीक है मिरर दे दो मेरे को ये वाला, डन भाई। मैं 700 रुपए का सामान मंगा रहा हूँ, ठीक है, और स्मॉल व्हीकल में आ रहा है सारा सामान, बट फास्ट डिलीवरी करवाते हैं, या फिर फास्ट डिलीवरी की जगह स्लो डिलीवरी, 0 रुपए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर करते हैं इसको। पर तो व्हीकल वॉल्यूम ओके 200% जा रही है, नहीं बिग में भी 200 जा रही है, ट्रक में जा रही है, ओके ट्रक की मंगाना पड़ेगा मेरे को, ट्रक में फिर और चीजें भी ऐड कर सकता हूं मैं, तो क्यों ना मैं और रूम्स के लिए भी वो इक्विपमेंट्स ऐड कर लूं यार, रुक जाओ दूसरे रूम्स में भी मैं सेम बेड डालूं क्या यार, सेम बेड ही अच्छा लग रहा है मेरे को, दो बेड और ऐड कर लिए मैंने, ठीक है और कार्ट में चलते हैं अब वन, ओके मैं ऐड नहीं कर सकता हूं, दो नहीं एक ऐड कर लिया, 88 हो गया। इक्विपमेंट्स में चलो बाकी सामान ऐड कर लेता हूं मैं, जैसे कि इनका बाथटब, बाथटब में चलो और ये दो ऐड करो, ठीक है नहीं ये भी दो चीज ऐड नहीं कर सकता हूं, इसको करो पिलो तो दो हैं, बाथटब कहां गए, बाथटब माइनस में लेके जाओ, ओके अभी 100% हो गया, अभी ऑर्डर करते हैं और नहीं अभी और सामान, ये क्या बात होती है भाई, मेरे को पूरा ट्रक भर के मंगवाना है, मैं क्यों खाली मंगवाऊं ट्रक, सामान पूरा मंगवाऊंगा मैं। पिलो में चलो, पिलो कौन से ऐड करे थे, दो पिलो और ऐड करो, ठीक है। उसके बाद सीलिंग लैंप मंगवानी पड़ेगी मेरे को एक, एक के लिए तो सीलिंग लैंप मंगवा लेता हूं ये वाली, ठीक है ये भी ऐड हो गया। इसके बाद सिंक कौन सी ऐड करी थी मैंने, ये वाली सिंक मंगवा लूं क्या एक, ठीक है सिंक मंगवा सकता हूं मैं। टॉवल मंगवा लेता हूं दो और, जिससे दूसरा रूम थोड़ा तो कंप्लीट होगा। टॉयलेट एक और ऐड करते हैं, इसके बाद टॉयलेट पेपर दो ऐड और करते हैं, हीटर एक ऐड कर लेते हैं, कर्टेन एक ऐड कर लेते हैं, सीट में नहीं मंगवाया था, रूम लैंप नहीं मंगवाया था, टेबल नहीं, डेस्क नहीं, ओके ड्रॉअर नहीं, इलेक्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं मंगवाया था, कारपेट मंगवाई थी, ये दो ऐड कर लेते हैं दोनों रूम्स के लिए। होल्डर्स नहीं चाहिए, बुक नहीं चाहिए, और सोप मंगवा लेते हैं दो, ठीक है। एसेसरीज के अंदर मेरे को ये मिरर मंगवाने दो और तीनों कमरों के लिए एक एक क्लॉक, ठीक है ये वाली क्लॉक बढ़िया लग रही है, एक दो तीन, तीन ऐड कर लिए, और भाई इससे ज्यादा रुपए नहीं है, तो ये सारा सामान ऑर्डर कर रहा हूँ, लेट्स गो, कार्ट इज एम्प्टी, और कुछ देर में मेरा इतना सारा सामान आ जाएगा जिसको मैं जमा भी नहीं पाऊंगा। बाकी जब तक मैं कचरा फेंक देता हूँ, जब तक सामान आ रहा है, ठीक है, जिससे ये एरिया थोड़ा साफ हो जाए, मेरे को और भी चीजें साफ करनी है, शायद मेरे को पेट्रोल पंप वगैरह भी साफ करके आना पड़ेगा, सब चीजें मेरी है। ये आवाज किसकी आने लग गई, रात हो गई क्या फिर से यार, ये है क्या यार, इस चीज को ना मैं, अरे नहीं फेंकना नहीं है, इसको फिलहाल मैं इसके पास में रख देता हूँ, बाद में देखेंगे इसमें है क्या इस डब्बे में, ठीक है। और सारा सामान फेंक दिया है, 80 सेकंड्स में चला जाएगा डिस्पोज होने। अभी अपन चलते हैं अपनी शॉप में, जो कि मैंने क्लीन करी थी, और इसका कचरा भी मैं साफ कर देता हूँ, क्योंकि कचरा तो मेरे को भाई पूरा साफ करना ही है हर जगह का, और रात हो गई है, रात में मैं गलत साफ कर रहा हूँ, कोई आ नहीं जाए, पुलिस वाले आएंगे सबसे ज्यादा तेज।
डेज तो, और अभी डिलीवरी अपनी 23 पे आएगी, ठीक है, अभी 19 हो रहे हैं, 23 पे मैं उठ सकता हूँ। और भाई सोने का टाइम चलता है 12 आवर्स में, और अपनी घड़ी चलती है यहाँ पे। ओए कचरा कहाँ गया, कचरा खाली हो गया, अरे खाली करो भाई, कचरा खाली करो, यहाँ का सारा कचरा फेंक दिया मैंने। यहाँ पे पता नहीं कौन बाहर कौन फेंक के गया कचरा, ये तो शायद मैं उसमें डस्टबिन में भी ले सकता हूँ। कुछ लेने लायक है क्या डस्टबिन में? कुछ नहीं ले सकता, छोड़ो, सब फेंक देता हूँ उधर की साइड। अरे यार ये बॉक्सेस कचरा ही है शायद, क्योंकि खोल तो मैं पा नहीं रहा, तो ये कचरा ही होंगे। चलो भाई मैंने सारा सामान यहाँ का फेंक दिया। अच्छा अभी नहीं फेंका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत और बच रहा है, ये पैकेट्स हैं डस्टबिन वाले, इनको भी फेंकते हैं। चलो अभी बचा हुआ कचरा डालते हैं अंदर की साइड, ठीक है, ये उठाओ इसको डालो इसमें, ये उठाओ इसमें डालो, 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 ये उठाओ। चलो भाई मैंने सारा कचरा फेंक दिया है, ये लास्ट बचा हुआ है, और एक ये और बचा हुआ है, इसको भी फेंको अंदर, इसको भी अपन हटा के फेंक देते हैं। ये लो भाई हटाओ, और अभी पहले का सामान डिस्पोज हो चुका है, ये भी थोड़ी देर में डिस्पोज हो जाएगा, और 21 हो ही चुके हैं भाई, बस कुछ देर और मेरा सामान आने वाला है, इनको फेंको। क्यों यार डायरेक्ट निशाना लगाता हूँ, वहां जाके मेरे को फेंकना ना पड़े ऐसा। ओके जा रहा है भाई, जा रहा है, दूर से सामान जा तो रहा है भाई। और भाई आज के दिन पुलिस नहीं आ जाए, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ भाई, साफ सफाई कर रहा हूँ, और क्या बताऊं मैं। इसको तो मैं डस्टबिन में ले सकता हूँ, इसको भी उठाओ, इसको भी उठाओ, ठीक है। बाकी एक कचरा यहाँ बाहर गिर गया था, इसको उठा के अंदर रखते हैं। अबे अंदर जाना भाई, भर गया भाई डस्टबिन में मेरा पूरा का पूरा। अब ये क्या है भाई, आइस जमी हुई है, पैक्ड आइस है। ओके यार यहाँ पे गर्मी है भाई, पहाड़ों पे गर्मी कैसे हो सकती है। और गाइस मेरी डिलीवरी आ चुकी है, मैं साफ कर रहा था वैसे, देखो अभी सड़क पे आई, अंदर आएगा देखने, अंदर आएगा। आजा भाई आजा, आंदो 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 आंदो, ओए ओए ओए, आंदे 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 आंदे। भाई कितना बड़ा ट्रक भर के आया इस बार, इससे पहले तो कुछ नहीं था। चलो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, अरे मेरे को उधर साले पागल आदमी वही लगा देता ना, वेयर हाउस में नहीं रखने का है, मेरे सारा सामान डायरेक्ट रखूंगा अंदर, बताओ। और ये देखना यहाँ पे कौन, अच्छा ठीक है पेड़ है, मैं सोचा यहाँ पे वो गावा वगैरह पड़ा। चलो भाई सामान मेरा आ गया है फटाफट से, मॉडल मैनेजमेंट सिमुलेटर के बाद। डिलीवरी एरिया की क्लीन, क्यों भाई एरिया क्लीन रखने का अपने को, बोल भाई उतर उतर जा, मेरे को लेनी है ना वैसे भी डिलीवरी, तू तो करेगा नहीं। ओहो सर जी पूरी गाड़ी रुकती है तभी उतरते हैं, सर जी का और आए और महंगा और किस तरीके से आए, नहीं अरे नहीं अबे ये फेंक दूंगा मैं गलती से, शेट डोर था ये मेरा, डोर डोर डोर, अरे उठा नहीं पा रहा, ओके उठ गया। चलो भाई एक एक करके सामान उठा उठा के मैं अभी वेयर हाउस में रख दूं क्या, क्योंकि वेयर हाउस में रखना पड़ेगा मेरे, जहां तक यार एक काम करता हूं, तो इसको फिनिश डिलीवरी नहीं बोलूंगा, ये साथ के साथ लगा के आता हूं। सबसे पहले तो मेरे को लगाना है अपने ऑफिस में डोर, भाई मैं वहां सोता हूं, ठीक है, क्या ये यहां लग जाएगा या फिर यहां लगेगा? ओके लग रहा है ना, लग रहा है, इसको खोलो खुल जाएगा, इसको बंद करो बंद हो जाएगा, वो तो सीधी सी बात है, उल्टा लगाए तो कैसा है। अच्छा अंदर ही खुल रहा है फिर भी, ठीक है, मेरे को लगा भाई बाहर खुल, अच्छा नहीं अंदर ही तो खुलते हैं डोर, अरे मैं भी पागल हूं, मैं पागल। चलो भाई बाकी है ये टॉयलेट सीट्स हैं, ये जो है जितने भी रेडिएटर है ना अभी सब अंदर रखते हैं, वेयर हाउस में उतरवा देता हूँ, जिससे कि भाई ये ट्रक वाले को तो भेजूंगा। और ये क्या, ये मैं चला सकता हूँ, ओके ई टू ड्राइव लेट्स गो, इसके अंदर रख के ले जा सकते हैं अपन सामान। लाओ भाई दो, ये अपना सोफा सेट है, क्या इसमें आएगा? नहीं सोफा सेट इसमें नहीं आ रहा, छोटे मोटे आइटम है जो इसमें आ जाएंगे, छोटे मोटे आइटम। ओ मिरर देखो भाई क्या प्यारे रखे आए हैं, लेकिन मिरर को किसी के ऊपर रखें क्या, यहाँ रख देते हैं अभी फिलहाल, इतने सही लग रहे हैं भाई मिरर ये वाले, एक के ऊपर एक टॉयलेट सीट्स रखो, इसके ऊपर ये रखो, कर्टेन्स आई है उसके अंदर, और ये अभी ये मैंने ज्यादा मंगाए थे ना, एक ही मंगाया था क्या मैंने, तो यहाँ रखो, ये टॉवल्स आई है, ये अपना इसको बाहर रखना पड़ेगा, बाथटब को इसको अपन रख देते हैं यहाँ पे, ये बेड आया है अपना एक, लेट्स गो, एक और बेड होना चाहिए, ये क्या है, क्या ये बेड, ओ भाई क्या सही लग रहे हैं डबल बेड, और भाई डबल बेड की सिर्फ 120 क्यों है और सिंगल बेड की 100 है। अरे नहीं इसको नीचे नहीं रखता, टॉवल्स को गंदे हो जाएंगे। इस टॉयलेट पेपर को यहाँ रखता हूँ, इस टॉयलेट पेपर को यहाँ रखता हूँ, इसको भी यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, और मेरी कुछ सीट्स आई है, ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे, नहीं भाई ने यहाँ रखो, टूट टूटा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, रुक जाओ भाई, लाओ ये सामान मैं खाली करके आऊँ, जरा हटना, ओए ध्यान रखियो ये सामान गायब ना हो जाए, क्या क्या है सब पता है मेरे को, रुक जाओ फटाफट से भागो, फटाफट से भागो, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, रुक जाओ यहाँ रुको, यहाँ रुको, रुक रुक रुक, गेट खोल, कोई सामान तो नहीं ले जा रहा ना, इसको अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ, अबे अंदर नहीं घुसा सकता, कोई बात, फिलहाल मैं इन सारे सामानों को ना अंदर रखवा देता हूँ। भाई आधी आधी रात में काम कर रहा हूँ, देख रहे हो तुम ऐसी खतरनाक जगह पे, सिस्टम हैवी है मेरा यार, मैंने सोचा था आज के दिन ना अपन क्या कहते हैं कमाई करेंगे, और कमाई कर नहीं पाए, सामान ही ले रहे हैं, सामान ही जमा रहे हैं बस, लेकिन ठीक है भाई मैंने सारा सामान यहाँ पे जमवा दिया है। अभी गेट को कर देते हैं बंद, और इस ट्रॉली को लेके चलते हैं वापस से यहाँ पे, और ये सामान लेके आते हैं बचा हुआ। चलो यार ये वेयर हाउस में रखवा देता हूँ मैं, रुक जाओ इसको उठाओ, इसको रखवाओ यहाँ पे, और एक सेकंड पुलिस जा रही है भाई, आज की रात पुलिस नहीं आई, ये देख रहे हो तुम, पुलिस आ सकती है आज की रात भी। इसको सोफा सेट को रखवा देता हूँ यहाँ पे, इसको रखवा देता हूँ यहाँ पे, इसको उठाओ, इसको रखो यहाँ, रख ले भाई अभी कहीं रख ले, कहीं भी जचा ले बस एक बार के लिए। चलो भाई अभी मैंने सारा सामान इसके अंदर जमा दिया है, और डिलीवरी वाले को भी भेज दिया है, अभी चलते हैं सोने। अरे अरे मैं सो ही जाता हूँ भाई, रेस्ट करना जरूरी है ठीक है, या फिर उठ यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने जितना भी सारा
सामान जमाया था ना, आज के दिन इसको प्रॉपर रखवा दूं क्या, वरना दिक्कत होगी। लेकिन यार मेरे पास एनर्जी भी तो नहीं बची है, और लाइट चली गई है क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा लाइट चली गई है, लाइट तो आ रही है। रुक जाओ, क्या मैं सोना चाहिए मेरे को भाई? 2 ही घंटे सही, लेकिन सो जाता हूँ ठीक है। ओके, मेरी एनर्जी रिकवर होती है, देखा तुमने, अभी मेरी एनर्जी रिकवर हुई। बाकी शायद क्या मेरे को फूड खाना पड़ेगा, ऊपर शायद मेरा फूड का ऑप्शन भी शो कर रहा है। मैं भाग नहीं सकता हूँ अगर मैं सोऊंगा नहीं तो, ये मेरे को अब समझ में आ चुकी है। बाकी ये रहा अपना पहला रूम जो कि अभी पूरी तरीके से जमा नहीं है, इसको जमवाते हैं भाई। ओके, ये यहाँ पे आएगा, बाथ टब लेके आना एक मेरे को। अरे यार रस्ते में सामान एक तो फेंको इनको, ठीक है। ओके, इसमें तो पेंट पूरा है भाई, ये नहीं फेंकना है, रुक जा रुक जा रुक जा, ये फेंकना है, इनमें पेंट नहीं है बिल्कुल भी। इसको चलते चलते अपन फेंक देंगे इसके अंदर, और ये ट्रॉली को बाद में लेके जाएंगे भाई। मैं एक एक सामान लेके जा रहा हूँ, मेरे को एक बाथ टब चाहिए, बाथ टब दे दो मेरे को ठीक है, मेरा रूम फिनिश हो कम से कम। एक जना आए रहने मेरे यहाँ, काम चले। और भाई 12 बजे का चेकआउट रखेंगे और अगले दिन 10 बजे का चेक इन, अरे नहीं मैं कह रहा हूँ 12 बजे का चेक इन रखेंगे और 10 बजे का चेकआउट। ये लगा दिया, अब यहाँ क्या लगेगा, ये क्या यहाँ लग सकता है, ये तो यहीं लगेगा, यहाँ पे क्या है? ओके, सिंक लगेगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भागो भागो भागो, जोर से भागो, तगड़ी तेज से भागो। और ये क्या है, रेस्ट कार्ड। अबे क्या पता भाई, पैनिक इमरजेंसी है, कोई तो किसी के तो काम आएगी वो, बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ और इस सिंक को यहाँ रखवाता हूँ। ओके, ये सिंक यहाँ आ रही है, लेट्स गो। सिंक भी मैंने यहाँ रख दिया, ये मेरा रूम कम्प्लीट हो गया है जहां तक मुझे उम्मीद है। एक बेडरूम, अच्छा एक बेडरूम कह रहा हूँ, एक बेड चाहिए ना, बेडरूम के लिए बेड ही नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा। और बची हुई ये कबर्ड्स वगैरह मंगवाई है मैंने, वो भी रखनी है। इनको फटाफट से लेके चलो एक एक को, क्योंकि भाई ज्यादा सामान मैं इनको उठा नहीं सकता हूँ। बेड को रखते हैं यहाँ पे, और टाइल्स वगैरह जो है इनको मैं फेंक देता हूँ थोड़ा दूर, टूटेंगी नहीं ना, नहीं टूट रही भाई, पैकिंग बहुत प्यारी है। इस रूम से बचा हुआ सामान निकालते हैं। बेडशीट कैसे रखनी है, ये क्या है, पता कैसे पड़ेगा जो मैंने ले रखा है वो क्या है? ओके, बेडशीट है ये, प्लेस टू बेड, ठीक है, इसको मैं इस पे रख सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ क्योंकि अभी जगह फिक्स नहीं है बेड की, ठीक है। टॉयलेट पेपर्स हैं, टॉयलेट पेपर को मैं, ओके अबे दो सिंक क्यों लगा दी मैंने, पागल हूँ क्या मैं? सिंक हटाओ, सिंक नहीं लगाना है इसमें, बाथरूम लगाने का है भाई, फ्रेश कहाँ होगा अपना? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सिस्टम गलत हो गया अभी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे मंगाए तो थे, एक सेकंड, पॉट कहाँ है भाई? हगिंग पॉट, ए पॉट्स गायब हो गए मेरे, चोरी, ओ चोरी नहीं हुई, यहाँ रखे हुए, इसको रखना है यहाँ पे। अभी टॉयलेट पेपर कहाँ रखा जाएगा, लेकिन टॉयलेट पेपर का डब्बा रखूंगा डायरेक्ट। अच्छा हैंगर मंगाना था ना, अरे वो धोएगा कैसे अब अपनी, जो भी है ऐसा तो है ही नहीं, अरे शिट करा ली मैंने। होल्डर मंगाना था मेरे को, होल्डर में तो रखा जाता टॉयलेट पेपर होल्डर, 9 रुपए का मंगा लेता हूँ भाई, सस्ता पड़ेगा है। टॉवल रैक भी मंगानी थी, शिट हो गई, शिट हो गई, गंदी वाली शिट हो गई, सबसे सस्ती सस्ती वाली मंगा लेता हूँ, 39 रुपीज का बैठ रहा है, अब क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं रुपए 39, आठ में चलो। टॉवल रैक जरूरी नहीं है शायद, ये मंगाने दो मेरे को ठीक है। नहीं यार कुछ नहीं मंगा रहा मैं ना, अपना होटल कर रहा हूँ ओपन, ठीक है। शॉप ओपन नहीं है अभी, गैस स्टेशन ओपन नहीं है, फ्यूल रिजर्व, ओके सब अपना है भाई। देखो गैस स्टेशन में फ्यूल रिजर्व, बाकी होटल मैंने ओपन कर दिया है, कोई आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। कारपेट को रखवाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और टॉयलेट पेपर फिलहाल अभी मैं ऐसी डब्बा रखा हुआ है, इसको बाहर फेंको, बाहर फेंको, कोई आए उससे पहले बाहर फेंको, ये इधर रखते नहीं यार। इसको उठाओ, सिंक को भी यहाँ रखो, सारा सामान खाली करो। ओके, इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ शायद, प्लेस करते हैं। अबे नहीं, इसके लिए भी अलग से जगह चाहिए क्या? कोई आया क्या मेरे होटल में? कोई नहीं आया अभी फिलहाल, कोई नहीं आया। यहाँ रखो, यहाँ रखो। कमरा साफ करो भाई, कमरा साफ करो, सबसे पहले ये काम है, कमरा साफ करना बहुत जरूरी है। इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो। इसमें क्या लगेगा? इसमें शायद वो लैंप लगेगी, और ये कर्टेन्स कहाँ लगेंगी? यहाँ पे है ना। ओके, ये लग गई कर्टेन्स। दूसरा ये सोप है, सीट्स वगैरह यहाँ रखते हैं, बचा हुआ ये टावल। ओके, ये टावल है भाई के लिए, टावल यहीं रख, इसको उठाओ, इसको बाहर रखो। ओके चलो भाई, ये रूम मैंने पूरा साफ कर दिया है, इसकी लाइट्स ऑन करते हैं अभी 2 मिनट के लिए, रुको। लेकिन यार जब तक ये रूम फिनिश नहीं माना जाएगा, जब तक ये पूरा सामान इसमें नहीं आएगा, कर लो बात, रुको। अब मेरे को ये देखने दो पहले तो कि ये बेड कहाँ, अरे रात हो गई, मेरे को ना सामान लेके आन दो सारे, ये लेके चलो और वहां जमाओ। यार मेरे को एक कमरे का इस पूरा सामान मंगाना चाहिए था, मैंने पूरा सामान नहीं मंगाया एक कमरे के लिए, और शायद अब मेरे को कुछ बेचना पड़ेगा। वेरी गुड, इसको मैं यहाँ फिट कर दूं तो कैसा लगेगा, यहाँ सही फिट हो रही है कॉर्नर में। और इस बेड को मैं फिट करना चाहूंगा इस लैंप के पास में, रुको फिलहाल तो यहाँ रखो, इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो। बेड को मैं बीचों बीच ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। और ये टावल मैं इस पे बिछा देता हूँ, और आधे पे आई है वो टावल, ये क्या बात होती है, टावल भी मंगानी पड़ेगी क्या, दिक्कत हो गई भाई। टावल कह रहा हूँ मैं, बेडशीट ये रही ना, टावल है ये भी, बेडशीट शायद मेरे वहां रखी होगी वेयर हाउस में, ये क्या है, सो भाई छोड़ो, मैं क्या ही बताता हूँ तुम लोगों को, मैंने सामान ही पूरा नहीं मंगाया है। कल 7 बजे उठेंगे, आज बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं भी सो जाता हूँ। रुको भाई, सुबह के 5 बजे रहे, मैं उठता हूँ और बाहर का थोड़ा माहौल देख के आता हूँ, कुछ चोरी वोरी तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरे को ये एरिया के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। सो जाता हूँ, चलो ठीक है, 7 बजे उठूंगा सुबह के, ठीक है। अभी एक मिनट और बची है, मतलब 1 घंटा और बचा है भाई, लेट्स गो। अभी थोड़ा बहुत सोते हैं भाई, सोते रहो बढ़िया है। एंड गुड मॉर्निंग गाइज, अभी अपनी एनर्जी फुल पावर में, और भाई अब बताओ क्या जमाना है और क्या नहीं। देखो मेरे को टॉवल वगैरह मंगाने, मेरे पास पैसे है नहीं, तो क्या
भाई पुलिस आई है, वापस पुलिस आई है भाई, वापस पुलिस आई है। हेलो सर, आज तो दिन भी हो रही है, क्या चाहिए तुमको? भाई रूम लेने आएगा। हाउसकीपर्स नीड अ वॉशिंग मशीन प्लेस्ड इन द वेयर हाउस। ओके अरे क्या है, क्या तेरी गुद्दी करूं लाल, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? इतना फ्रैंक नहीं हूं मैं, समझ में आ रही है ना, इतना फ्रैंक नहीं हूं पुलिस वालों के साथ। अरे फ्रैंक मत समझ लियो मेरे को, फ्रैंक समझ रहा है होटल के अंदर आके गया है पूरा। भाग जाए यहां से, चढ़ाया गाड़ी, बताऊं दादागिरी का पैसा, चल निकल यहां से। हां भाई होटल में आके घुस गया एकदम से बिना कुछ करे, मेरे को लगा कोई आया है रूम वूम लेने आया। ओपन बता रखा है मैंने होटल, खैर ऑफिस है ये, और यहाँ पे नाम बदलना है मेरे को, अभी नाम सोचा नहीं है मैंने अपने होटल का कुछ। यार एक बेड पे सो जाओ ना, ठीक है ना, पूरा नहीं है अभी फिलहाल, कोई आएगा ही नहीं क्या? अरे मुझे बेचना पड़ेगा कुछ सामान, लाओ क्या बेचा जाए बताओ। ये 66 का जा रहा है, और मंगाया कितने का था जरा देखने देना, बराबर रेट के जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। देखो डिलीवरी तो मैं लगा सकता हूँ अपने ऊपर, डिलीवरी की ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेरे को जाना है सिंक में जाना है, और ये सिंक मंगाई थी मैंने 99.99 की मंगाई थी, और ये जा 66.66 की रही है। वाओ लो कर लो बात, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं यार, दिक्कत हो गई भैया, हम क्या ही बताएं। कुछ फालतू का सामान बेचता हूं भाई, फिर सामान मंगाता हूं। देखो मेरे को होल्डर मंगाना है, वॉशिंग मशीन बेच सकता हूं, ओके वॉशिंग मशीन भी रखनी होगी मेरे को, बाकी इसके अंदर मैं अपना सुपरमार्केट भी चालू कर सकता हूं, क्या बात है। छोड़ भाई ये चीजें नहीं बेच रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, जितनी चीजें पहले उनको जमा के आते हैं, बाकी चीजें देखेंगे बाद में। अभी ये बोल रहा है देखो, टिप बोर्ड पे लिखा हुआ है वेयर हाउस एम्प्लॉइज नीड टू अनलोड डिलीवरी। ओके ये बदलते जा रहे हैं भाई, यू कैन सेल एम्प्टी बॉक्सेस यूजिंग योर सेल टूल। एम्प्टी है जी, अरे फेंक दी वॉशिंग मशीन मैंने, ये भी फेंक दी, लो मेरे भाभी बड़े, रुक जाओ इसको मेरे को ना पहले तो फिट करने दो, इसको मैं रखवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है तो रखते हैं यहाँ, इसको रखे हैं गलत जगह, नीचे जमा दी मैंने चीजें। देखो इसको जो है इस कॉर्नर में, नहीं इसको जो है इस कॉर्नर में रखना चाहिए मेरे को, ठीक है, और इसको जो है मुझे रखना चाहिए यहाँ पे, और मतलब थोड़ा सा गैप, अरे इसको उठाओ, इसको थोड़ा सा यहाँ रख, ठीक है, और इसको मुझे रखना चाहिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब जो भी है, यहाँ टीवी लग जाए तो इसको यहाँ रख सकते हैं, बाकी अभी सही लग रहा है थोड़ा बहुत एरिया। और बाथरूम कंप्लीट है, उसके अंदर टॉवल वगैरह रखवानी है मेरे को, और एम्प्टी बॉक्सेस मेरे पास कुछ है नहीं, और मैंने एक एम्प्टी बॉक्स फेंक दिया था। वाओ रुक जाओ, क्या ये मैं बेच पा रहा हूँ, क्या ये बेच पा रहा हूँ, क्या ये बेच, कुछ नहीं बेच पा रहा हूँ मैं। अब मुझे भाई सिंक वगैरह बेचनी पड़ेगी क्योंकि थोड़े बहुत तो रुपए चाहिए, 66 रुपीज आ गए हैं। और ये क्या है, शैम्पू वगैरह ये नहीं बेच रहा हूँ मैं, टॉयलेट पेपर वगैरह भी नहीं बेच रहा हूँ। वॉशिंग मशीन कहाँ रखनी है ये और बता दो मेरे को, बस वॉशिंग मशीन रखने की जगह कहाँ है? वॉशिंग मशीन की कोई टिप आई थी ना यहाँ, यू कैन सेल द एम्प्टी बॉक्सेस डंप कार्ट कंटेनिंग विद द डंपस्टर, ठीक है। वॉशिंग मशीन कहाँ है, तो इसमें आएगा अभी। ओके मेरे को वॉशिंग मशीन वेयर हाउस में रखनी है लेकिन प्लग्ड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको वहीं लेके चलते हैं, और वहाँ पे कोई प्लग होगा बस उसमें मेरे को प्लग करनी है। वेयर हाउस में धोने आएंगे भाई लोग बग, इसको मुझे यहाँ रखनी है, और इस प्लग को जो है वो प्लग लगाना है मेरे को। ओके ठीक है, प्लग यहाँ नहीं रखे हुए, प्लग मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं सारे के सारे, इन प्लग्स को लेके आता हूँ, एक प्लग वहाँ पे काम आने वाला है मेरे, इस प्लग को रखते हैं यहाँ लगा दूं क्या, या फिर यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको उठाया इसमें लगाया। वॉशिंग मशीन कंप्लीट हो गई भाई, अब फालतू चीज मंगाने की जगह जो जरूरत की चीज है वो मंगा देता हूँ, जो नहीं मंगाई थी इससे पिछली बार। डिलीवरी में चलो, इक्विपमेंट्स में चलो, अभी देखो टॉवल पेपर जो हैंगर कहाँ है, होल्डर ये रहे, ठीक है। एक तो टॉयलेट पेपर होल्डर मंगाना है, टॉवल होल्डर मंगाना है, प्लस एक मेरे को जो है बेडशीट मंगानी है, कर्टेन नहीं, डेस्क नहीं, टेबल नहीं, फ्लोर, इलेक्ट्रिसिटी, कारपेट, होल्डर, बुक, एसेसरीज में नहीं, टॉयलेट पेपर, टॉयलेट टावल है, ब्लैंकेट चाहिए ना, एक ब्लैंकेट थी वो क्या थी व्हाइट कलर की, बेडशीट चाहिए, एक बेडशीट ऐड करते हैं, ठीक है। बेडशीट शायद मैंने ऐड कर रखी है, रुक जाओ मेरे को देख के आने दो, मेरे वेयर हाउस में क्या क्या पड़ा हुआ है, एक रूम तो मैं पूरा बना के सोऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए। ये क्या है, ये टावल है, ठीक है। ये क्या है, ये कर्टेन है, कर्टेन को लगाओ, कर्टेन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये पिलोज है, ये क्या है, ये ब्लैंकेट है, और ये दो पिलोज ले लो, एक ये मिरर ले लो, ठीक है, और ये क्या है, टावल है, टावल रखा हुआ है वहाँ, एक ये ले लो। चलो अभी फटाफट चलो इस बेडरूम को कम्प्लीट करेंगे। चलो अब सबसे पहले मिरर लगाना है अपने को यहाँ पे, ठीक है, एक मिरर लगेगा यहाँ, थोड़ा सा बीच में और थोड़ा सा ऊपर। चलो उसके बाद ये टॉवल ये दो मेरे को, इसको प्लेस कर। अबे ये है बेडशीट, ये है ब्लैंकेट, ओके ठीक है मैं समझ गया हूँ, एक का बेड तो कंप्लीट हो गया, मतलब ये है ना, इसको रखो यहाँ, और इस कर्टेन को लगाओ यहाँ पे, ठीक है। अभी भाई क्या सही लग रहा है, एक बार मेरे को ये और रखना है, अभी यहाँ रख देता हूँ, और जो है अभी मेरे को देखने दो वो है क्या, क्या कहते हैं, बेडशीट दो नहीं मंगाई क्या मैंने यार, बेडशीट भी तो दो मंगाई होगी, हैंड सोप है, टॉवल है, हैंड सोप, टॉयलेट पेपर, चलो उधर देख के आते हैं। लाओ इधर क्या है, टॉवल रखा हुआ है, यार टॉवल कितने मंगा लिए मैंने, को बेडशीट मंगानी चाहिए थी और बेडशीट ही नहीं मंगाई है, टॉवल एक और पड़ा है, टॉवल एक और पड़ा है, दुनिया भर के टॉवल पड़े। चलो तो फिलहाल मेरे को टॉवल मंगाना है, नहीं टॉवल नहीं, बेडशीट मंगानी है। डिलीवरी में चलो, इक्विपमेंट्स में चलो, सर्च का ऑप्शन नहीं है यहाँ, ब्लैंकेट में मंगाना है, ब्लैंकेट नहीं बेडशीट ब्रो, याद रख बेडशीट हो गई, ब्लैंकेट पड़ा है क्या मेरे पास, अब ये देखने दो मेरे को, टॉवल पड़े जो तो मेरे पास इतने सारे, टॉवल है नहीं है, नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, एक ब्लैंकेट और चाहिए तब काम चलेगा, ये भी टावल है, लो कर लो बात, वहाँ दो टावल पड़े हैं, ये क्या है, ये भी टावल है, हाला
चावल इसकी भैंसी, यहाँ चावल खूब है भाई। ब्लैंकेट भी मंगवाना पड़ेगा गाइस एक अपने को, चलो ब्लैंकेट भी मंगवाते हैं, और तो क्या करें। घड़ी लगा देते हैं अपन यहाँ पे, ये दीवार थोड़ी खाली सी थी, ये दीवार खाली अच्छी लग रही है। अभी मुझे मंगवाना है एक ब्लैंकेट और, ठीक है डिलीवरी में चलो, इक्विपमेंट्स में चलो, ब्लैंकेट में जाओ, एक ब्लैंकेट ऐड करो। 87 का बिल हो गया, ये अपना ब्लैंकेट हो गया है। और अभी अपनी कार्ट में क्या क्या देखो, टॉयलेट पेपर होल्डर है, टॉवल रैक है, बेडशीट है, ब्लैंकेट है। अभी मेरे को जो है सोप कहाँ रखना है, डेस्क ड्रॉर, इलेक्ट्रिसिटी होल्डर, क्या होल्डर पे आएगा वो शैम्पू, ओके वॉल सेल्फ में आ सकती है वो चीजें, लेकिन क्या शैम्पू रखना जरूरी है, रुक जाओ। तो होगा ऐसा जिसमें मैं शैम्पू रख सकूंगा, क्योंकि शैम्पू भी रखा जा नहीं रहा है कहीं यार। शैम्पू रख जाओ ना, शैम्पू की क्या दिक्कत है, रुक जाओ। शैम्पू टू वेयर हाउस फिनिश प्लेसिंग रोटेट, यार ये आना तो यही चाहिए, आ नहीं रहा है। ओके भाई यहाँ तो कहीं नहीं रखा जा रहा, शायद सेल्फ ही मंगवानी पड़ेगी जिसके ऊपर मैं शैम्पू रख सकूं। तो एक शेल्फ भी देख लेते हैं जो कि सबसे सस्ती 22 की आ रही है, और इससे महंगा मेरा बजट है नहीं, है ना, सही बोल रहा हूँ मैं भाई, 22 का बजट भी नहीं है मेरे यहाँ तक, रुक जाओ। लेकिन मुझे मंगाना तो पड़ेगा, कुछ भी बजट हो ना हो, 109 का बैठ रहा है। अब मुझे कुछ और सामान बेचना है, बस मेरा काम हो जाएगा, मुझे बस थोड़ा सा सामान बेचना है। ये 2 रुपए का जा रहा है, 2 रुपए में काम नहीं चलेगा भाई। शैम्पू भी 2 रुपए का जा रहा है, पेंट पैकेट नहीं जा रही है, ये जा रहा है 50 का। भाई ये सब 2-2 रुपए के कैसे जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आ रही ना इन लोगों। क्या मैं एक ये बेच दूं, 10 रुपए का जा रहा है, चलो ठीक है। एक मैंने ये बेच दिया 10 रुपए का, पता नहीं कितने का मंगाया था मैंने, लेकिन एक बेच दिया मैंने 10 रुपए का, वो क्लॉक बेच दिया। और अभी मैं मंगा सकता हूँ अपना सारा ऑर्डर। देखो मैंने टॉयलेट पेपर का होल्डर मंगा लिया, रैक मंगा ली है, बेडशीट और ब्लैंक, ठीक है चलो भाई ऑर्डर करते हैं। और ज्यादा कैपेसिटी अभी नहीं दी है, 6 घंटे में आ जाएगा सामान, 2 रुपए रह गए मेरे पास। चलो भाई सो जाते हैं जिससे कि टाइम जल्दी बीत जाए, गुड नाइट गाइस। और गाइस 9 बज चुके हैं और सामान मेरा आ चुका होगा, तो चलते हैं भाई जल्दी मंगाने का और ऑर्डर जल्दी मंगाने का, ये क्या मस्त आइडिया। अरे सॉरी बड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने थोड़ा यहाँ रख दिया था, दिक्कत हो गई भाई को, ट्रक नहीं लगा पा रहा है। उतर उतर चल अंदर लेके चल, अरे जाना यार, ओके चला जाएगा कोई नहीं, वैसे मेरे पास कुछ है नहीं जीवन में, सारा पैसा मैंने यहाँ के उड़ा दिया है, खाने पीने का पैसा है नहीं, खा पी पा नहीं रहा हूँ मैं। चलो अभी जो है इस डोर की चाबी कैसे बना, अरे आ रहा हूँ ना, पू पू कर रहा है साले पागल आदमी, उतर दो जा खुद। अब उतरा है राम का पिल्ला, अरे बंद कर जल्दी बंद कर दे, एक चीज मंगाइए इतना रो मत। अभी 2 कैसे ऐड कर दी मैंने, होल्डर 2 कैसे कर लो बात कर लो, मैंने सामान बेचा है, ये पूरी क्लॉक बेच दी एक मैंने, रुकना एक सेकंड, ये इसके ऊपर रखो ठीक है, इसको लगाते हैं अपन, ये लगेगा कैसे, रुक जाओ ये ऐसे लगा देता हूँ मैं, ठीक है ये यहाँ लगाता हूँ। टॉयलेट पेपर लेके आने दो एक, और इस टॉयलेट पेपर को जो है इसके ऊपर, अब क्यों नहीं आ रहा भाई, पता नहीं भाई क्यों नहीं हो रहा, अब मेरे को बिल्कुल नहीं पता है भाई, ये ऊपर तो लग जाना चाहिए ना यार। ये क्या मंगाया है मैंने, अच्छा ये सेल्फ है ठीक, इसको सेल्फ रखो यहाँ पे, शैम्पू को रखो भाई, अब इस पे भी नहीं आ रहा। अब मेरी दिक्कत नहीं है, देखो सीधी बात सिंपल बात, नो बकवास फालतू बात, चावल रखता हूँ मैं यहाँ पे ठीक है, चावल मैं उस पे भी रख सकता था, लेकिन इनकी फालतू चीजों के लिए मैंने यहाँ रख दिया है। भाई आ क्यों नहीं रहे हैं भाई, अरे भाई ये सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक काम की चीज तो मंगवाई नहीं, अरे डबल बेड लगवाए हैं मैंने, और बाथरूम का गेट किधर है भाई, हाथ पैर धोना तो खैर सेकेंडरी काम है, लेकिन कोई बात नहीं ना, कपल को रख लेंगे यहाँ पे, तो वाली बात थोड़ी है। अरे मैं कैसी कैसी बातें करने लगा हूँ आजकल, छोड़ो मेरी बात छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें भाई तेरे को, यार तू तो ले आया ना, तू क्या तेरा सारा सामान ले लिया मैंने, तू जा तेरे से कोई काम नहीं है मेरे को, मैं अपना बेड पूरा करता हूँ ठीक है, उसके बाद एक डोर मंगाऊंगा, कम्प्लीट हुआ तो ठीक है। और एक और आइडिया आया अभी मेरे को, और वो बताता हूँ मैं क्या, देखो पहले तो बेड लगाने दो यहाँ पे, लगना भाई 2 पिलो नहीं लगेंगे, ओके लग रहा है 2 पिलो लग गए, और ये टॉयलेट पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है इसको यहाँ लगाओ, इसमें लगाने का और ट्राई करता हूं मैं, नहीं लग रहा है ठीक है, इसको और बाहर ले लो, बाद में देखेंगे भाई। एक वो तो लगाएं, डोर मंगाना है मेरे को, और मेरे को एक मस्त आइडिया है पैसे कमाने का, अपने पास फ्यूल है थोड़ा ही सही, बट है तो सही, तो क्यों ना इसको बेचते हैं भाई, पैसा तो आएगा कम से कम। रुक जाओ चालू हो गई क्या फ्यूल, ओके ये गैस स्टेशन मैंने ऑन कर दिया है, P2 एक गैस पंप, ओके अभी मैं सो जाता हूं, कल सुबह तक डिलीवरी एट द वेयर हाउस। भाई इससे सारा सामान ले लिया है मैंने, रुक जाओ इसको मैं भेज देता हूं, आज सो जाऊंगा मैं, फिर कल के दिन सामान आ ही जाना चाहिए शायद, रुक जाओ इधर से कुछ सामान तो नहीं रह गया ना, चलो भाई डिलीवरी कर देते हैं फिनिश और चलते हैं अपन सोने। गैस स्टेशन ऑन तो कर दिया बट कोई आ नहीं रहा है, शायद सुबह आएगा। गुड नाइट गाइस, और मस्त एकदम नींद लेते हैं बढ़िया सी, अब उठेंगे डायरेक्ट सुबह 10 बजे। और एक सेकंड कोई आया है, ओके पुलिस वाला आया होगा, वो चेकिंग करके चला गया, ये साले फ्रैंक हो रहे हैं पुलिस वाले, अंदर नहीं घुसने दूंगा किसी को भी यहाँ, ऐसी थोड़ी। चलो भाई 9 बजने वाले हैं, दिन हो गया है, बस मेरे पेट्रोल पंप पे कोई आ रखा हो यार, मुझे पेट्रोल भरना है लोगों का और पैसा कमाने का है। आया क्या कोई पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप ऑन कर दिया है फिर भी कोई पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को, पैसा मिल सकता था पेट्रोल पंप से वरना अपने को, जो कि मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया फालतू चीजों में। भाई कुछ भी करके यहाँ पे एक डोर लगे, बाकी तो शायद मुझे लगता नहीं और कुछ लगाने की जरूरत है, हैंगर वगैरह मैंने निकाल लिए, इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल ठीक है, और टॉवल दोबारा रखने का ट्राई करते हैं। E2 ओ भाई इसको ओपन करके रखना था क्या, एक सेकंड इसको इधर रख, इसको ओपन कर सकता हूँ, अब इसमें से निकालूं कैसे, E2 टेक, अरे एक के अंदर ही 2 टॉवल हैं और मैं इतनी देर से पागल पंतिया कर रहा हूँ, क्या बात है, इतने सारे टॉवल मंगा लिए हैं मैंने पागलों की तरह, वाओ एक
मैं एक मंगाता ना तब भी काम हो जाता मेरा, और मैंने इतने सारे टॉवल मंगा दिए, एक के अंदर तीन निकले, एक के अंदर तीन निकले, अब पता पड़ रहा है मेरे को ऐसे उठाना है और इसको बेच सकते हैं मेरे को ऐसा। ओके 2 रुपए का बॉक्स बिक रहा भाई, सिस्टम हैवी है, सिस्टम रुक जाओ। और अरे टॉवल गलत जगह जमा दिए, टॉवलों को मुझे यहाँ जमाना है ना, टॉवल एक और ये टॉवल दो, और ये जगह खाली रह गई वहाँ पे थोड़ी, टॉवल तीन, ठीक है तीन टॉवल रख दिए भाई, हमारे यहाँ सर्विस थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है, क्या ही बताएं। अरे कर लो बात तुम जोर जोर से भाई, इतना सारा शैम्पू मंगवा दिया, इतना सारा शैम्पू मंगवा दिया, एक टॉवल लेके जा रहा हूँ भाई मैं दोबारा से, ठीक है इस टॉवल को यहाँ रखूंगा, कोई जरूरत नहीं लोगों को ज्यादा टॉवल देने की, आराम खोर लोग आ जाएंगे सारा का सारा। एक टॉवल को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है अभी के लिए यहाँ भी रख सकते हैं, और इसको रख देता हूँ यहाँ पे। चलो भाई 2 टॉवल आ गए, एक यहाँ रख दिया, वैसे एक टॉवल भी यहीं रखना चाहिए मेरे को क्योंकि टॉवल रहेगी यही है। इस पे और सामान भी रख सकते हैं, कुछ डेकोरेशन का सामान, बट अभी के लिए मैंने नहीं मंगवाया, मुझे अभी के लिए सिर्फ एक डोर मंगवाना है, और मुझे देखना है क्या मेरे गैस स्टेशन पे कोई आया, गैस स्टेशन पे कोई आ क्यों नहीं रहा है, गैस स्टेशन भी खोल दिया है अब तो मैंने यार, ऐसा तो मत करो भाई मेरे भाई। शॉप नहीं खोली अभी, शॉप भी खोलनी है, बाकी रूम इज नॉट रेडी, मैंने रूम खोल तो दिया बट नॉट रेडी, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। ओके रूम अब मैंने खोला है बट इसमें एक डोर ही तो नहीं है, बस डोर मंगा देता हूँ मैं, रुक भाई डोर अंदर के लिए तो कोई सस्ता सा मंगा लेते हैं व्हाइट कलर में, एक ये अच्छा लग रहा है, एक ये अच्छा लग रहा है, तो ये वाला मंगा सकते हैं अपन, 55 रुपए का पड़ेगा अपने को ये, तो कुछ सामान बेचें और तो क्या करें, एक ऑन करें अपन, ये 53 का बिक रहा है, चलो मैंने बेच दिया है, और अब शायद मेरे पास 58 रुपीज आ गए ना, ठीक है चलो भाई डिलीवरी मंगाते हैं, एक ये मंगाना है, कांट ट्रांसपोर्ट इन करंट व्हीकल, क्यों भाई क्या बात हुई, अबे बड़े ट्रक में आएगा ये, अरे पर लो बात, अब इतना पैसा नहीं है मेरे, 70 रुपए का आ रहा है सामान भाई, मेरे गैस स्टेशन पे कोई आ जाओ वरना मैं बिक जाऊंगा भाई, भगवान सोगन मैं बिक जाऊंगा, प्लीज मेरे गैस स्टेशन पे कोई आ जाओ, ई टू टेक मनी, मैं बिक गया गाइस मैं बिक गया, ए इसको इसमें रख दो वापस, उठाओ इसको रखो यहाँ पे, और भाई बस एक डोर चाहिए, वैसे अपना ये आइटम कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे 70 रुपए करने पड़ेंगे, भाड़ में गई दुनियादारी, सब बेचूंगा आज, एक तो ये अपना लो भाई बेचो, क्या बिक रहा है ये 40 का बिक रहा है, एक ये बेच देता हूँ ठीक है, और बचा हुआ ये उधर लगा देता हूँ एक कमरे में, और उस सामान को ऑर्डर करते हैं, और जहां तक है मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर। देखो इसको जो है इसको लगा देते हैं अपन, इसको कहाँ लगाए भाई, इसके लिए कुछ जगह चाहिए क्या, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ ठीक है, और इसके बाद मैं जो है टॉयलेट पेपर लगा सकता हूँ, अब मेरे को पता पड़ गया है, इसको खोलना है पहले और इसमें से निकालना है, और टॉयलेट पेपर भी बहुत सारे आ रखे हैं भाई, मैंने ये भी खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया है, पता नहीं किस बात के लिए मैंने इतने टॉयलेट पेपर वगैरह मंगा दिए, नहीं मंगाने चाहिए थे बट कभी तो काम आएंगे ही, कोई बात नहीं, इसको रखते हैं इस पे, और टॉयलेट पेपर भी लग गया है, और अभी मेरा सामान भी आने वाला है, मैं सो जाऊंगा और कल के दिन मेरी कमाई फाइनली चालू हो जाएगी। चलो भाई ऑर्डर इसको करते हैं प्लेस, और अभी चलता हूँ मैं जाके मैं जाता हूँ सो, रात में 1 बजे आ जाएगा जिसको ज्यादा टाइम नहीं है, और भाई अपनी डिलीवरी जहां तक आ चुकी होगी। ओके हॉर्न की आवाज आ गई है, चलो भाई लेट्स गो, थैंक यू बड़ी, तू बहुत बड़े ट्रक में ले आया इसे, है बहुत बड़ा काम करा भाई तूने, ला दे चल चल भगले सीधे मुंह भगले, फटाफट चलो भाई इस डोर को लगाओ और अपना सिस्टम कंप्लीट करो, ये अटैच कर दिया है, अभी क्या बच रहा है, अभी क्या बच गया है भाई, क्या लैंप भी मंगवानी है, अब मेरे को बेच दो, मुझे बेच दो जोरों से बेच दो, यहाँ डिलीवरी इक्विपमेंट, देखो बुक भी एसेसरीज मंगवा दी है मैंने, टॉयलेट पेपर मंगवा दिया मैंने, बुक की तो नहीं मंगवाई है, एक होल्डर नहीं मंगवाया है, कारपेट मंगवा दी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ मंगवाना है क्या, इनकी भैंस की आंख भाई, इनकी ऐस तैस, ना तो कोई मेरा पेट्रोल भराने आ रहा ना तो कुछ, बाकी भाई टू एक्सेस द वेयर हाउस इन्वेंटरी, ओके मैं डायरेक्ट वेयर हाउस से मंगवा सकता हूँ सामान, चावल ओके, अभी वेयर हाउस से मैं डायरेक्ट सामान मंगवा सकता हूँ, अच्छा इसलिए वेयर हाउस में सामान रखना जरूरी था, और नो पेट्रोल नियर बाय, पेट्रोल क्या होता है, पीई होता है ना, PETROL है, अभी ये क्या है भाई। ओके गाइस ताजा खबर, मुझे कुछ नई चीज पता पड़ी है, देखो इसके अंदर जो है पता लगा सकते हैं अपन क्या चीज रह गई है, अब कुछ ज्यादा नहीं रह गया, ओके ये रही देखो वो सारी चीजें नेसेसरी इक्विपमेंट्स, और एक हीटर लगा दिया यार, पागल है क्या तू, डेकोरेशन नोन, और हीटर मैंने नॉट अच्छे, अच्छा नॉट अटैच्ड, हाँ अटैच्ड करना है भाई इसे, जरा बताएंगे आप, हीटर दो, ओके डन हो गया ना, लेट्स गो, अच्छा बस मैंने हीटर अटैच करना रह गया था, कंप्लीट हो गया भाई सब कुछ, और वेट फॉर योर फर्स्ट मोटेल कस्टमर, लेट्स गो भाई अपना होटल पूरा हो चुका है, और बस मेरे को ये नहीं पता पेट्रोल पंप कैसे पूरा होगा, और कौन आ रहा है, ठीक है भाई अभी फिलहाल इतनी जल्दी कस्टमर नहीं आएंगे, सुबह के 7 बजे कौन ही आएगा, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, अब बस अपने को कस्टमर्स का वेट करना है, और फिर पैसा ही पैसा भाई। मेरे रूम को कितनी रेटिंग्स मिलनी चाहिए तुम लोग कमेंट्स में जाके बताओ, आउट ऑफ 5 बताना, बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।